everyone, welcome back to my YouTube channel. This is a lecture 20 of a highway engineering, and in the previous lecture we have covered the spot speed study and the speed and delay study. Okay, so these are the topics that we have covered in the previous lecture. So we will see the numerical of a spot speed study in the today's lecture. Okay, so this is one important question of a spot speed study. Let us start our lecture. Okay, so in the question it is asked to find the design speed, upper safe limit and the lower safe speed. So सबसे पहले आपको एक बार recall करा देती हूँ कि upper safe speed क्या होती है और lower safe speed क्या होती है और design speed क्या होती है. तो हमने पढ़ा है कि upper safe speed क्या होती है, 85 percentile speed जो होती है वो उसे क्या बोलते हैं हम, upper safe speed. और lower safe limit क्या होती है, जो 15 percentile speed होती है वो क्या होती है हमारी, lower safe limit. ओके, और व्हाट इज डिज़ाइन स्पीड, इट इज़ 98 परसेंटाइल स्पीड. ओके, इट इज़ 98 परसेंटाइल स्पीड. अब हमको क्या फाइंड करना है, 98 परसेंटाइल स्पीड फाइंड करना है, 85 परसेंटाइल स्पीड फाइंड करना है और 15 परसेंटाइल स्पीड फाइंड करना है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच बहुत सिंपल है, जस्ट यू हैव टू नो दी प्रोसेस. ओके, सो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं और क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं अपना स्पीड रेंज लिखते हैं, स्पीड रेंज. और यहाँ पर आप क्या करोगे, फ्रिक्वेंसी लिखोगे. अब देखो आपकी स्पीड रेंज में दी हुई है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एवरेज स्पीड, एवरेज रेंज लेना पड़ेगा. ठीक है, एवरेज स्पीड, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज स्पीड लेना पड़ेगा. नेक्स्ट देखो आपकी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन हमें क्या चाहिए रहता है, हमें चाहिए रहता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ओके, तो क्यूमुलेटिव परसेंटेज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए रहता है. अब आप इसको परसेंटेज निकालो, फिर आप इसका क्यूमुलेटिव निकालो. ठीक है, तो कैसे करते हैं, सिंपली है, अभी हम देखते हैं आपको समझ में आएगा. ठीक है, तो देखो आपने क्या किया, यहाँ पर हमने एवरेज स्पीड ले लिया. नेक्स्ट क्या होगा, हम इसमें परसेंटेज फ्रीक्वेंसी लेंगे, परसेंटेज निकालना पड़ेगा ना हमें. ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी लेंगे. ओके, सो पहले हम इस वैल्यूज़ को क्या करते हैं, यहाँ पर राइट कर लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन है. ओके, क्या किया है, यहाँ पर अपनी स्पीड रेंज लिख ली है जो क्वेश्चन में दी थी हमें, और हमने क्या किया, उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसीज को लिख दिया यहाँ पर. ठीक है, अब हमें क्या कैसे करना है, इसका आंसर कैसे निकालना है, उसका वे देखते हैं. ठीक है, तो आप क्या करो, स्पीड रेंज को पहले तो आपको उसका एवरेज लेना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी भी वैल्यू को रेंज में तो सॉल्व नहीं कर सकते. तो इसका एवरेज कितना होगा, 0 और 10 का एवरेज कितना होगा, सिंपल है, 5 होगा. ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या करो कि 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 कर लो. ठीक है, तो हर टर्म को ऐसे ही करोगे तो आपका एवरेज मिल जाएगा. ठीक है, तो अगर हम एवरेज निकालते हैं तो इसका एवरेज कितना आएगा, 10 और 20 का 15, सिमिलरली इसका 25, इसका 35, इसका 45, इसका 55, नेक्स्ट 65, 75, 85 एंड 95. ये आ गई आपकी एवरेज स्पीड. ठीक है, अब आपको क्या करना है, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, वो टर्म डिवाइडेड बाय दी टोटल टर्म इनटू 100 करते हैं, करते हैं ना, सिंपल हम अपना परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला बता रहे हैं. ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, टोटल टर्म. आप क्या करो, इन सारे टर्म को ऐड कर दो. ठीक है, 10, 40, 50, 51, 52, 53, 100, 90, 40, 20, इस सबको ऐड कर दो. तो अगर आप इन सबको ऐड करोगे, ऐड करके देखो आप भी कितना आ रहा है आपका वैल्यू, इन सबको ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1000. ठीक है, आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 1000. तो अब आप परसेंटेज कैसे निकालोगे, परसेंटेज मतलब क्या होता है, दैट टर्म जिसका आप परसेंटेज चाहते हो डिवाइडेड बाय दी टोटल नंबर, टोटल टर्म, दैट इज़ 1000 × 100. यही करते हो ना आप परसेंटेज निकालने के लिए, फिर आपका वैल्यू परसेंटेज में आता है. सिमिलरली आप सारे टर्म्स के लिए क्या करो, ऐसे ही करते जाओ. ठीक है, आप नेक्स्ट टर्म के लिए क्या करोगे, 40 × 1000 × 100. इसी तरीके से आप सारे टर्म के लिए करोगे. ठीक है, तो अगर आप इसका निकालोगे तो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी आएगी, 1%. ओके, 40 के लिए निकालोगे तो आपकी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 4%. इसी तरीके से आप सबके लिए सॉल्व करते जाओ, 50 के लिए क्या होगी, 5%, ये भी 5%, 150 के लिए आप कैलकुलेट करो कितनी आ रही है, 150 के लिए 15%. ओके, एंड 250 के लिए कितनी आ रही है, 25%. 300 के लिए कितनी आ रही है आपकी, 30%. 90 के लिए कितनी आ रही है आपकी, 9%. 40 के लिए आपकी कितनी आई थी, 4%, सो इट इज़ 4%. एंड 20 के लिए कितनी आएगी आपकी, 2%. ठीक है, आप सबको ऐसे ही सॉल्व करके यहाँ पर लिख सकते हो, सिंपल. ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव मतलब क्या होता है, आप सारे टर्म को 1 by 1 एक दूसरे से ऐड करते जाओ वे में. ओके, तो अगर आपका ये फर्स्ट 1% है, नेक्स्ट वाला क्या होगा, 1 + 4, दैट इज़ 5%. ठीक है, अब आप उसमें फिर नेक्स्ट वाला ऐड करते जाओ तो क्या होगा, 10%. फिर नेक्स्ट वाले में ऐड करते जाओ, 15%. ओके, नेक्स्ट करो फिर 30%, दिस इज 15. ओके, नेक्स्ट करो आप 30%,
एंड नेक्स्ट करो आप, उसका क्या आएगा आपका 55%, नेक्स्ट आपका आएगा 85%, उसके बाद आपका क्या आएगा 94%, नेक्स्ट आपका क्या आएगा 98% एंड देन 100%। ओके, सो इस तरीके से सिंपली आप क्या करो, इसका टोटल कर लो, इसका फिर परसेंटेज फ्रिक्वेंसी निकालो, फिर इन सबको टर्म वाइज ऐड करते जाओ, आपका क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या करना था, मैंने आपको बताया था कि आपको क्या निकालना है, डिज़ाइन स्पीड। ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, डिज़ाइन स्पीड। पहले आपको 98% फ्रिक्वेंसी के सामने की जो स्पीड है वो क्या है हमारी, 98। देखो 98 के सामने क्या है हमारा, इधर आओ आप, स्पीड देखो, तो स्पीड क्या है आपकी 85। ठीक है, स्पीड है आपकी 85 और स्पीड क्वेश्चन में दी हुई है KMPH में। ठीक है, इसमें कोई भी वैल्यूज दी रहे आपको कोई इशू नहीं है, आपके सामने जो वैल्यू आ रही है आप वही रखो। ठीक है, तो आपका 98% स्पीड कितना हुआ, 85 KMPH। नेक्स्ट देखो हम, आपका क्या पूछा है, अपर सेफ लिमिट। ठीक है, अपर सेफ लिमिट, अपर सेफ लिमिट आपको यहाँ डायरेक्ट 98% स्पीड के, 98% के करस्पॉन्डिंग स्पीड पूछ सकता था 85 के लिए, लेकिन उसने क्या किया, इसको डिज़ाइन स्पीड अपर सेफ लिमिट पूछ दिया। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि डिज़ाइन स्पीड क्या होती है और अपर सेफ लिमिट क्या होती है। ठीक है, तो अपर सेफ लिमिट क्या होती है, 85th percentile स्पीड के करस्पॉन्डिंग वाली जो स्पीड होती है उसे ही हम क्या लेते हैं, डिज़ाइन, इसे ही हम क्या लेते हैं, अपर सेफ लिमिट। ठीक है, 85% स्पीड को हम क्या है, आप देखो आप कहाँ पर 85% क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आपकी, यहाँ पर। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी स्पीड आ रही है, 65 के सामने वाली स्पीड है, देखो आप इधर, ये है 65। ठीक है, तो ये हुआ आपका 65 KMPH इज़ दी अपर सेफ लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, लोअर सेफ लिमिट। देखो लोअर सेफ लिमिट पूछा आपसे, आप क्या करो यहाँ पर, लोअर सेफ लिमिट लिखो, लोअर सेफ लिमिट, और इसके लिए आपको कौन सी परसेंटाइल देखना है, 15th percentile। ये कौन सी स्पीड होती है, 15th percentile स्पीड। देखिए आप यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में, देखिए आपका ये 15 है यहाँ पर, अब आप देखिए इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी स्पीड मिल रही है आपको, 35। एवरेज स्पीड आपकी कितनी है, 35। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 35 KMPH। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके, सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट इज़ वेरी सिंपल, जस्ट यू हैव टू नो दी प्रोसेस टू सॉल्व इट। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ यू हैव इन्जॉयड दिस लेक्चर देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी दी ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी एंड दी ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडी। थैंक यू।